देश के अंदर जो हालात आज पैदा हुए हैं उसका कौन है जिम्मेदार? और आपको नहीं लगता है कि क्या ये समय मोर के साथ नाच करने का है? मोर के साथ नाच करने का है, मोर के साथ टाइम पास करने का है, ये समय है मंथन करने का। मोदी जी, कल आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो मोर के साथ अपना टाइम पास कर रहे थे। कितना काम कर रहे थे मोदी जी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी के पास कितना काम करते हैं कि वो मोर के साथ अपना टाइम पास कर रहे हैं, जो कि पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी में 56,000 लोग अब तक कोरोना वायरस से मर चुके हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व्यस्त हैं, मोर के साथ मनोरंजन कर रहे हैं, वो भी घर में मोर पाल के रखा है भाई, और उसका सोशल मीडिया पे मीडिया में दबा के वायरल तस्वीरें की जा रही हैं। क्या इससे ये नहीं लगता आपको कि देश का मजाक उड़ाया जा रहा है, देश की जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? या यूं कहें कि कोरोना वायरस के नाम पे एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। बड़ी साजिश का मतलब समझ रहे हैं आप? कोरोना वायरस में लॉकडाउन इसलिए कर दिया गया कि आप घर से बाहर ना निकल सके, क्योंकि मोदी जी को देश की एक एक संपत्ति को उनको बेचना था। अगर कोरोना वायरस के चलते मान के चलिए लॉकडाउन यदि नहीं होता तो लोग रोड पे उतरते, राजनीतिक दल रोड पे प्रदर्शन करते, हो हंगामा होता देश के अंदर। इसीलिए आपको पिछले 6 महीने से लॉकडाउन किया गया है, और 6 महीने के दरमियान में देश की एक एक संपत्ति को BSNL को बेचने का काम किया है मोदी जी ने। और सबसे बड़ी जीवन के साथ जीवन के बाद भी जो एक विज्ञापन चलता है LIC, मतलब समझ रहे हैं, LIC को भी बेच दिया है। हमें कोई नहीं पता कि जो पैसा हम LIC में जमा कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया गया है, और वो प्राइवेट कंपनी कब दिवाला निकाल के आपको ठेंगा दिखा दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये अंजाम दिया गया है, रेलवे का प्राइवेटकरण करके आप रोड पे विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में, आपको बता दूं, लाखों की संख्या में विरोध हुआ है, रेलवे कर्मचारी रोड पे उतरे हैं, लेकिन इसका किसी भी गोदी मीडिया ने एक शब्द नहीं दिखाया है कि रेलवे के कर्मचारियों ने नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध किया है और वो रोड पे कई लाखों की संख्या में वो रोड पे उतरे हैं। लेकिन आपने कहीं भी एक जरा सा लफ्ज नहीं किसी भी मीडिया में आपने देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इसीलिए मैं गोदी मीडिया कहता हूं और देश कहता है, देश का एक एक नागरिक आप समझ गया है कि भारत सरकार की गुलामी कुछ न्यूज चैनल एंकर करते हैं, और न्यूज चैनल के मालिक तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो इनको बेचना था आपको शिक्षा संस्थान ताकि कोई इसका विरोध ना कर सके, इनको बेचना था स्वास्थ्य विभाग ताकि इनका कोई रोड के ऊपर विरोध ना कर सके, और यदि इक्का दुक्का निकल भी गया तो उसको हवालात की सैर कराएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन करने का मतलब है कि आप जेल जाएं या आपके ऊपर FRI दर्ज की जाएगी। जैसे अभी
पप्पू यादव ने एक जनसभा किया है, उसके ऊपर 10 आदमियों के ऊपर FRI दर्ज की गई है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये है एक बड़ी साजिश देश के अंदर। और उससे भी बड़ा आपको एक प्रमाण देता हूं मैं, आज एक दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है कि बिहार में शादी में आप चाहे जितने भी आदमी अब जा सकते हैं, अब कोई लॉकडाउन नहीं है उनके लिए। स्कूल आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज, बिहार में कोरोना संक्रमित दर गिरकर 2.2 पॉइंट पे आ गया है, ये आज का न्यूज है। और देश लेवल पर जो 12.7 दशमलव था, अब घटकर 6.7 पॉइंट पे आ गया है। जो कि हकीकत यह है कि डेली आप देखते होंगे टीवी समाचार में कि आज 70,000 निकला कोरोना वायरस का मरीज का, आज 55,000 निकला, मतलब बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन न्यूज पेपर में यह दिया गया है कि सभी चीज की संख्या घट गई है, इसीलिए चुनाव का माहौल अब तैयार हो रहा है। तो यह है सिस्टम, आप समझ सकते हैं। देश के अंदर जो हालात आज पैदा हुए हैं, उसका कौन है जिम्मेदार? और आपको नहीं लगता है कि क्या यह समय मोर के साथ नाच करने का है, मोर के साथ टाइम पास करने का है? यह समय है मंथन करने का। GDP हमारे देश का गिर गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लोगों के रोजगार चौपट हो गए, इसके ऊपर मोदी साहब का कोई मंथन है, कोई टिप्पा टिप्पणी है? अरे भाई, इनको तो चुनाव जीतने के लिए बस रात दिन आप देखें, सुबह शाम रात दिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार काम करती है। आपने देखा होगा इसी कोरोना वायरस में मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, इसी कोरोना वायरस के अंदर आपने देखा राजस्थान के अंदर किस तरीके से सरकार गिराने का पूरा प्रयास किया गया। तो कहां इनको देश से प्रेम है, देश के नागरिक से प्रेम है, देश की संविधान से प्रेम है? इनको यदि प्रेम है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की लालच है, और इससे ज्यादा नरेंद्र मोदी को और दुनिया में किसी चीज से प्रेम नहीं है। देश बिकता है बिक जाए, समाज टूटता है टूट जाए, लोग मरते हैं मर जाए, बेटियों की इज्जत लुटती है लुट जाए, लेकिन हमें अपना शौक पालना है, देश के नागरिक भाड़ में जाए, बाढ़ में जाए, जहां भी जाना हो जाए, क्योंकि मोदी जी ने तो एक कह दिया है लफ्ज, अब आप आत्मनिर्भर रहो, हमसे कोई उम्मीद मत रखो। एक गोविंदा का एक बहुत पुराना गाना है, कोई मुझे रोको नहीं, कोई मुझे टोको नहीं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, आपने सुना ही होगा। तो वही है नरेंद्र मोदी, मेरी मर्जी, मैं चाहे मुंह से बोलूं चाहे पिछवाड़े से बोलूं, मेरी मर्जी। मोदी जी पिछवाड़े से बोलते हैं ना, अरे भाई अगर आज मुंह से बोलते थे तो 2013-14 में जो भाषण देते थे उस टाइम में पिछवाड़े से बोलते थे, क्योंकि मोदी जी ने कभी अपने बातों पे अमल नहीं किया कि वो बोलते क्या हैं। क्या मेरी जुबान की वैल्यू है? एक प्रधान, प्रदेश का प्रधान, जिसकी कोई जुबान की वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। ऐसा हम देश के अंदर अपना प्रधान चुने हैं, प्रधानमंत्री चुने हैं, जिसकी कोई जुबान की वैल्यू नहीं है। बहुत ही चिंताजनक है कल की जो तस्वीर देखने को मिली, मोर के साथ अटखेलियां कर रहे हैं मोदी जी, कभी कच्छे में कभी बनियान में नजर आ रहे हैं। क्या बात है, इससे क्या देश का विकास हो जाएगा?
मतलब मोदी जी तो आत्मा, देश की जनता ने तो मोदी जी को बना दिया है पूरा फिटम फाट, लेकिन देश की जनता को कह दिया मोदी जी ने आप आत्मनिर्भर रहो, आपके बच्चे मरते हैं मर जाए, आप मरते हो मर जाए, देश का किसान मरता है मर जाए, इस देश की माता बहने जो मरती है मर जाए, लेकिन आप आत्मनिर्भर रहो, सरकार से उम्मीद मत रखो। अच्छा एक चीज बड़ी काम की बात है, ये अंधभक्तों के लिए कह रहा हूं, अब तो तुम अपने बाल बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, पढ़ाओगे लिखाओगे तो उसका खर्चा क्या तुम्हारे पिताजी नरेंद्र मोदी जी देंगे? एडमिशन फीस अब आप भक्तों को, वैसे तो हर नागरिक को लगेगा लेकिन भक्तों को भी लगेगा 1 लाख कम से कम, प्राइवेट स्कूल में आप जो जाओगे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो कम से कम 1 लाख डोनेशन आपको देना पड़ेगा। तो ये आपके पिताजी देंगे नरेंद्र मोदी जी आपके लिए, क्योंकि आप उनकी भक्ति करते हो, ये सोचना पड़ेगा आपको। या आपको बच्चे को, जैसे लालू जी वो चरवाहा विद्यालय खोले थे ना उस टाइम में, तो वही चरवाहा विद्यालय में आप अपने बच्चों को भेजोगे क्या भैंस के साथ? सोचना पड़ेगा ये आपको कि भैंसों के साथ भेजोगे तबेलों में या बकरी के साथ? क्योंकि ये प्रश्न तो सब पे लागू होगा। यदि किसी चीज का प्राइवेटकरण कर दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के लिए स्पेशल छूट मिलेगी, वो क्योंकि भक्ति में कुछ नहीं होता। आपका बच्चा कॉलेज जाने के लिए सोचता रह जाएगा क्योंकि कॉलेज का भी डोनेशन आपको दुगुना तिगुना या 100 गुना बढ़ गया है कह सकते हैं हम। अब सबसे बड़ी बात क्या है, स्वास्थ्य विभाग में ही रख लो आप, आप चले जाइए प्राइवेट नर्सिंग होम, आपको घर मकान बेच के इलाज कराना पड़ेगा। आयुष्मान भारत वो कार्ड चला था ना मोदी जी का 5 लाख वाला, 5 आदमियों को भी 5 लाख रुपया आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। अरे मैं कह रहा हूं हर जिले के अंदर सरकारी अस्पताल है ना, तो क्या भारत सरकार की ये जवाबदेही नहीं बनती कि उस सरकारी अस्पताल के अंदर सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि लोगों का पैसा बच सके? अरे जब लोगों का पैसा बचेगा तभी तो भारत देश तरक्की करेगा ना, जब लोगों के पास आर्थिक ही नहीं रहेगा तो भारत देश सोने की चिड़िया कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? जब देश का नागरिक कंगाल हो जाएगा तो भारत देश कैसे उन्नति करेगा, यह सोचना पड़ेगा आपको। जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो विकासशील देशों के अंदर नाम कैसे आएगा भारत का, आपको यह सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो लगभग सारी संस्थाएं मोदी सरकार ने तो बेच दी है, लेकिन अब भी यदि नहीं समझोगे तो कल को आपके बाल बच्चे को भी मोदी बेच दे विदेशियों के हाथे, गुलाम ना बना दे। वैसे तो आप गुलाम हो चुके हो उद्योगपतियों के, अभी देश के अंदर उद्योगपतियों का आप गुलाम हो चुके हो, आपको यह समझना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज, हां अब एक बात और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सिलेंडर कांग्रेस 392 रुपए में आपको देती थी, आज कितना 900 रुपए में ले रहे हो? सोचो 392 रुपए का सिलेंडर आपको कांग्रेस लूट की सरकार लगती थी ना, कि कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन आज 900 रुपए का सिलेंडर आपको देशभक्ति लग रहा है। चलो मान लेते हैं देशभक्ति है, तो ये पैसा जहां का आ रहा है, प्रश्न बहुत बड़ा है। ये पैसा देश का जा किसके जेब में रहा है, ये सोचना पड़ेगा आपको। क्योंकि देश का तो दिवालिया निकल चुका है, पता है आपको,
अरे भैया चार बैंक भी आपको प्राइवेट हाथों में बड़े बड़े बैंक बेचने जा रहा है मोदी सरकार। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंधी बैंक, यूके बैंक और एक बैंक है, चार बैंकों को भारत सरकार जो सरकारी बैंक है उसको प्राइवेट हाथों में बेचने जा रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं देश की जनता से कि क्या आपने देश की एक एक संपत्ति को बेचने के लिए प्रधानमंत्री चुना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है? यह प्रश्न है सबसे बड़ा। चलिए अब आ जाते हैं डीजल पेट्रोल के ऊपर। आपको याद है ना, मात्र दो रुपया, सिर्फ दो रुपए भारत सरकार ने, मनमोहन सरकार ने बढ़ाए थे, तो वो नाचने वाली स्मृति ईरानी रोड पे नाची फिरती थी, लेकिन आज उसका नाच कहीं नजर ही नहीं आता, क्योंकि कमर नहीं कमरा बना लिया है ना सात साल में, तो नाचना आता ही नहीं स्मृति ईरानी को, भूल गई है नाचना। उस टाइम में बोलती थी प्रधानमंत्री जी मन करता है मेरा कि मैं आपको चूड़ी भेंट कर दूं, तो अपने श्री नरेंद्र मोदी को क्या भेंट कर रही है आजकल, बोलना पड़ेगा ना, आजकल क्या भेंट कर रही है स्मृति ईरानी, सास भी कभी बहू थी, एक लफ्ज नहीं निकलता, गला मोटा हो गया है, गला भी हो गया भैंस की तरह, तो गले से आवाज नहीं निकलती। अब दो दो रुपए पे बेचने वाली बन गई नेता, क्या बात है, अब कहां से, अब तो चांदी चांदी है, आए दिन बहार के अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे भैया देश की जनता समझ ही नहीं पाई कि ये अच्छे दिन किसके आने वाले हैं, पता है आपको किसके अच्छे दिन आए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के, उनके सदस्यों के तो नहीं कहेंगे, उनके बड़े बड़े नेताओं के अच्छे दिन आए, कार्यकर्ता तो छोटे मोटे बेचारे वैसे ही आज भी रोड पे हैं। अच्छे दिन यदि किसी के भारत में आए तो भारतीय जनता पार्टी के, जो उनके सीनियर लीडर हैं, जो उद्योग घराने की कॉर्पोरेट उनकी गुलामी करते हैं, उनके अच्छे दिन आए। अब किस तरीके से आए अब समझ लीजिए। अभी जेपी नड्डा साहब एक दिन भाषण दे रहे थे कि पूरे देश के अंदर अमित शाह की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का हर जिले के अंदर 750 लगभग जिलों का एक आंकड़ा दिया था उन्होंने, जिसके अंदर 500 पार्टी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है, 500 कार्यालय। अब कहां से पैसा आया कोई हिसाब किताब नहीं है, और जो बाकी के पार्टी कार्यालय बचे हुए हैं, मैं अपने कार्यकाल में जो तीन साल की अध्यक्षता या चार साल की होती है उसमें मैं पूरा कर लूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर जहां लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, एक एक रुपया के लिए तरस रहे हैं, लोग देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पे कार्यालय, कार्यालय पे कार्यालय बन रहा है। अगर यदि पूछे हम कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 साल में बेहतर एक कांग्रेस पार्टी कार्यालय नहीं बना सकी, और 6 साल में भारतीय मित्र पार्टी एक कार्यालय नहीं बना सके हम ढंग का कहीं, तो इनके पास कौन से पिताजी हैं जो इनको फाइनेंस करता है, कहां से ये पैसा आता है, देश की जनता का पैसा लूट के, और कहीं ये पीएम केयर फंड का पैसा सारा का सारा पार्टी ऑफिस में लगा बनाने के लिए तो नहीं खर्च कर दिया गया है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और यदि ऐसा किया गया है तो पूरे भारत की जनता के साथ छलावा किया गया है, बहुत बड़ा छलावा किया गया है। यह देश की जनता जानना चाहती है कि इतना पैसा आप कहां से लाए, और कहां से आपने इतने पार्टी ऑफिस बनाए, कहां से ये जमीनें खरीदी, इसकी बायोडाटा पूरे देश की जनता को जानने का अधिकार है।
देना चाहिए इसका हिसाब किताब श्री नरेंद्र मोदी सरकार को कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के अंदर दो पार्टी कार्यालय कहां से ये आ रहा है पैसा और कौन कौन इनको फाइनेंस कर रहा है इसकी जानकारी पूरे देश की जनता जानना चाहती है। अब समझ में आया अच्छे दिन भैया, अच्छे दिन यदि किसी के आए इस देश के अंदर तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आए, अच्छे दिन यदि किसी के आए तो भारत के कुछ उद्योगपति जो अडानी मुकेश अंबानी और दो चार जो इनके नियल चौकसी वगैरह फलाने वो कुछ जो बैंकों का पूरा माल साफ करके विदेश भाग गए भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में, अध्यक्षता मतलब सरकार में बीजा इन्होंने दिया। क्या कहा था वो मोदी जी ने, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, बड़ी डींगे हाँकते थे ये नरेंद्र मोदी जी। लेकिन हकीकत तो ये है कि ऐसा खाते हैं कि ढकार ही नहीं लेते, पूरे देश को निगल गए, पूरे देश की संपत्ति को, एक एक संपत्ति को बेच के निगल गए। और तभी तो कल मजा ले रहे थे, क्या कह रहे हैं उसके साथ, मोर के साथ, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन मोदी जी मीडिया को दिखा रहे थे कि देखो मैं भी नाच रहा हूं और मेरे साथ ये मोर भी नाच रहा है, तुम देखो, और देश की जनता को दिखाओ कि भारत की जनता दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख जनता है। यदि ऐसे प्रधानमंत्री चुने हैं भारत की जनता ने तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खों का तंबा भारत की जनता को मिलना चाहिए कि एक एक संपत्ति को बेच के खा गया जो प्रधानमंत्री, उसको अपना बाप नाना दादा सब माने हुए बैठा हुआ है। शर्म आती है ऐसी राजनीतिक पे जो देश का बेड़ा गर्द कर दे। क्या कहूं, भारत की जनता फिर से लास्ट में कह रहा हूं मूर्खों का एक सरदार है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।